नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। हमेशा की तरह आज का यह वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सभी यूनिवर्सिटी की, यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके एग्जाम टाइम टेबल आपके कब आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, और वो अपडेट क्या है वो भी यहाँ पर मैं वीडियो पर क्लियर करने वाला हूँ, आप सभी को थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ PDSU के बारे में कि PDSU का जो एग्ज़ाम फॉरम डेट है उसको 9 फरवरी कर दिया गया है। साथ ही में अगर 9 फरवरी तक असमर्थ रहते हैं कुछ स्टूडेंट, तो वो 13 फरवरी तक भी अपने मतलब कि 100 रुपये विलम्ब शुल्क देकर 13 फरवरी तक भी एक तरीके से फोरम है वो भर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर बात हो चुकी है PDSU की, अब उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर RRBMU की। RRBMU के बाद में बात करेंगे आपकी जो अपडेट है अपडेट को लेकर, ठीक है। RRBMU का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, RRBMU का जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो आपको इस मंथ के लास्ट वीक तक देखने को मिलेगा। साथ ही में जो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे RRBMU के, वो मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। RU का आपको पता है, RU के जो सेमेस्टर के, यानी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है, उनके एग्ज़ाम आपके स्टार्ट भी हो चुके हैं। और साथ में जो एग्जाम टाइम टेबल है UG और साथ में PG का, वो आपका इसी मंथ के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा, यानी कि फरवरी में देखने को मिल जाएगा, 15 फरवरी के बाद में। साथ में जो एग्जाम होंगे वो आपके मार्च के लास्ट वीक में देखने को मिलेंगे, मार्च के लास्ट वीक में होंगे, और मई जून में जाकर आपका BEd का एग्जाम होगा। RU की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं अपडेट को लेकर। अब ये अपडेट आई है फर्स्ट में, तो देख सकते हो 7 फरवरी 2022 का ये अपडेट है, जिसमें बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हो कि कोटा यूनिवर्सिटी में PG के नियमित स्टूडेंट्स को देनी पड़ेगी 2 बार परीक्षा। पहली बार PG में भी सेमेस्टर सिस्टम, दिसंबर में परीक्षा होनी थी, फरवरी तक आवेदन ही चल रहे हैं। अभी देखो आवेदन चल रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा, अभी आवेदन खत्म नहीं हुए हैं, और वैसे तो दिसंबर में परीक्षा होनी थी लेकिन अभी तक आवेदन ही आपके देख रहे हैं, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर देख सकते हो कि सेमेस्टर से खाली रह गई काफी कई सीटें, और परीक्षा आवेदन की कल अंतिम तिथि, यानी कि 9 तारीख ही अंतिम तिथि रहने वाली है उसके द्वारा, यानी कि जो UOK यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है उसके द्वारा भी 9 तारीख की लास्ट डेट है। साथ ही में 28 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे थे, इनकी अंतिम तिथि 8 फरवरी है, इसके बाद 100 रुपये विलम्ब शुल्क से 13 फरवरी तक फॉर्म भरवाए जाएंगे, ठीक है। यह आपका अपडेट है जो कि मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब उसी के बाद में यहाँ पर MLSU के सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, MLSU और GGTU के, तो मैं आपको पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। और आपको देखो लास्ट ईयर के पेपर देखने हैं ना, तो मैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक बार जाकर वीडियो पर मतलब कि चैनल पर सर्च कर लेना, आप जो भी पेपर डालोगे, पेपर डालने के बाद में आप मेरे चैनल का नेम डाल लेना बादल EduTech, तो आपको वो पेपर शो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका रहने वाला है, और जल्दी आपको मैं नेक्स्ट अपडेट देने वाला हूँ, तब तक के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी चैनल पर कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।